बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वॉयस के आज हम चेक करेंगे कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस हम कन्वर्ट करते हैं, और ये सेंटेंसेस होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इससे पहले डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। तो वही राइट साइड पे लिखे हुए चार रूल आपको नज़र आएंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करेंगे, बाय भी यूज़ होगा, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है मेन चीज़। बाकी पहले तीन स्टेप तो तमाम टेंसों के लिए सेम है, तमाम टेंसेस के लिए, जबकि चौथा है ये डिसाइड करता है कि असल में किस टेंस का पैसिव वॉइस है, वो होता है उसमें यूज़ होने वाला हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर, चूँकि वो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे हम। ठीक है जी, चलें जी चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ हमने शी डिड नॉट वॉच मूवी यस्टरडे, उसने कल मूवी नहीं देखी थी। ये एक्टिव वॉइस का नेगेटिव है। अब इसका पैसिव वॉइस नेगेटिव में करना है तो कैसे करेंगे? वंस अगेन उसी तरीके से आप यहाँ लोकेट कर लें कि ये है सब्जेक्ट और मूवी जो है ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट है जी, ये हम एक चीज़ मिस कर गए हूँ, द मूवी जी। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा मैंने ऑब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे आ गया, और ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। पहला स्टेप क्लियर कर दिया। दूसरा ये कि इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करें, ये लिखा हुआ है वॉच्ड, ये थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर दें। फिर उसके बाद बाय का यूज़ है, ये देखें बाय का यूज़ है, ये बाय भी लगा दिया। और फिर ये था कि इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे। तो ये देखें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा दिया, और नॉट ऐड कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो लिहाजा हम देखें तो जो हमारे पास सेंटेंस बनता है, द मूवी वॉज नॉट वॉच्ड बाय हर यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम वैसे का वैसे ही आएगा। ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ये वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है जी, पैसिव वॉइस में वैसे ही आएगा, परेशान नहीं होना। एक्टिव वॉइस में जिस तरह दिया हो पैसिव वॉइस में इसी तरह ही आएगा। दे डिड नॉट विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे, द म्यूजियम वॉज नॉट विजिटेड बाय देम यस्टरडे। बिल्कुल उसी तरह ही आप पार्स आउट कर लें कि देखें ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गए, ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये बाय लगा हुआ है, और वाज और नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे है, और साथ ये एडवर्ब ऑफ टाइम वैसे का वैसे ही साथ आ रहा है। थर्ड देखें, ही डिड नॉट ईट हिज लंच एट स्कूल, हिज लंच वाज नॉट ईटन एट स्कूल बाय हिम। तो यहाँ पे ये एट स्कूल जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ दे दिया है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आप वैसे का वैसे रहने दें, इसको कोई मसला नहीं है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरीके से चारों स्टेप हमने इस सेंटेंस में भी पूरे कर दिए हैं। ज़रा देखें चौथे में, देखें वो डिड नॉट अटेंड अ पार्टी ऑन सैटरडे, हमने सैटरडे को कोई पार्टी अटेंड नहीं की। तो अब आप देख लें, अ पार्टी वाज नॉट अटेंडेड बाय अस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल गए, बाय यूज़ हो गया, थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई, वाज के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आ गया, और ये देखें एडवर्ब ऑफ टाइम वैसे का वैसे ही साथ हमने दे दिया। तो लिहाजा बहुत सिंपल है कि अगर आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस करते हैं तो वहाँ से नेगेटिव बनाना बहुत आसान होता है, और इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव बनाना जानते हैं और डिक्लेरेटिव बनाना जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना जानते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाना भी इसका बहुत आसान है, वो हम पहले कर चुके हैं। थैंक यू।